अक्षय तीज पर होने वाली शुभ घटनाएं। आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम उन जादुई कहानियों और शुभ घटनाओं का पता लगाते हैं जो अक्षय तीज के दिन घटित हुई। नंबर एक, भगवान परशुराम जी का जन्म। दो, बांके बिहारी जी के चरण दर्शन। तीन, गंगा का पृथ्वी पर अवतरित होना। चार, कुबेर धन के स्वामी बने। पांच, महाभारत का महाकाव्य। छह, सुदामा का कृष्ण से मिलना। हमारी पहली कहानी विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म से शुरू होती है, जिनका जन्म बुरी ताकतों से मुकाबला करके पृथ्वी पर संतुलन लाने के लिए हुआ था। दूसरी कहानी, इस दिन मंदिर में भगवान बांके बिहारी के चरण का अनावरण किया जाता है। इस धन्य क्षण का इंतजार करते हुए भक्तों के बीच उत्साह स्पष्ट है। तीसरी कहानी, इस दिन पवित्र गंगा का पृथ्वी पर दिव्य अवतरण हुआ। यह मानव जाति के लिए जीवन और पवित्रता का उपहार है, जिसे अनादिकाल से मनाया जाता है। चौथी कहानी, इस शुभ दिन पर धन के रक्षक कुबेर को भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे उनकी और उनकी कृपा चाहने वालों की शाश्वत समृद्धि सुनिश्चित हुई। पांचवी कहानी, इस दिन वेद व्यास ने भगवान गणेश के साथ अपने मुंशी के रूप में महाकाव्य महाभारत का पाठ शुरू किया, जो समय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। छठी कहानी, इस दिन की एक और मार्मिक कहानी भगवान कृष्ण के विनम्र मित्र सुदामा की है, जिन्होंने स्वयं भगवान द्वारा आशीर्वादित चावल की एक साधारण भेंट से अपना भाग्य बदल लिया। निष्कर्ष, जैसे ही अक्षय तीज पर सूरज डूबता है, हम दैवीय शुरुआत, दिव्य आशीर्वाद और समृद्धि और सद्भावना के स्थायी वादे की इन कहानियों पर विचार करते हैं।